अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं दोस्तों। रात के वक्त बारिश हुई थी और मास्टर केज में जो फिन चिक्स हैं वो बारिश का पानी गिरने की वजह से भीग गए हैं। अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो फिन चिक्स के चिक्स हैं जो कि हमने बाहर से रेस्क्यू किए थे वो यहाँ पर एक कोने में बैठे हुए थे दोस्तों। रात के वक्त जब बारिश हुई है तो ये जो चिक्स हैं बारिश का पानी गिरने की वजह से भीग चुके हैं। ये देखें, अभी जो सभी चिक्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये गीले हैं। रात के वक्त बारिश हुई थी तो दोस्तों यहाँ पर कहीं से पानी नीचे गिरता है तो ये जो सभी चिक्स हैं भीग कर बैठे हुए थे। अभी हमने इनको फीड भी करवाना है। देखिए, मैं इंजेक्शन लेके आऊँ, इसमें थोड़ी सी फीड है जो कि मैंने इनको सुबह करवाई थी, अभी थोड़ी सी फीड बाकी है। अभी देखते हैं कि ये जो चिक्स हैं फीड लेने के लिए मेरे पास आते हैं या नहीं। इनको यहाँ पर मास्टर केज में छोड़े हुए आज 3 दिन होने वाले हैं। उससे पहले हम इनको बर्ड रूम में लहदा केज में रख रहे थे, तो अभी चेक करती हैं कि ये मेरे पास आते हैं या नहीं। दोस्तों, जब किसी बर्ड को बाकी परिंदों के साथ आज़ाद छोड़ दिया जाता है तो वो बर्ड टेम नहीं हो सकता, तो मुझे यही लग रहा है कि अब ये जो चिक्स हैं हमारे पास आना कम कर जाएंगे क्योंकि ये खुद से दाना वगैरह खा रहे हैं। तो अभी चेक करते हैं, वो देखे सामने वो जो चिक है मुँह खोल गया। देखे अभी थोड़े से, ये देखिए आ गया एक मेरे पास, इसको फीड करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी चिक फिंचेस वगैरह हैं उनकी वजह से ये जो चिक्स हैं अब मुझसे दूर होना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, ये फीड नहीं ले रहा अच्छे से, मुंह खोलता है और साइड पर मुंह कर देता है। इसी तरह ये देखिए जो बाकी चिक्स हैं, अभी मैं इनको हैंड फीड करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अभी ये मुकम्मल तौर पर सेल्फ नहीं हुए, यानी कि अभी तक मैं ही इनको फीड करवा रहा हूँ। जब ये मुकम्मल सेल्फ हो जाएंगे तो उसके बाद ये हमारे पास आना भी छोड़ देंगे क्योंकि दोस्तों जब कोई परिंदा बड़ा हो जाता है और बाकी परिंदों के साथ रहता है तो वो उन्हीं की तरह का हो जाता है। ये देखिए, इनको फीड करवा दिया है। अभी दोस्तों ये जो चिक्स हैं छोटी हैं, जैसे ये बड़े हो जाएंगे तो ये यहाँ पर नेस्ट बनाकर अंडे भी देना शुरू कर देंगे। कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये जो चिक्स हैं इनको मास्टर केज में रखें और यहाँ पर ताकि ये कल को नेस्ट बनाकर अंडे वगैरह दे सकें। कल रात के वक्त बारिश हुई थी, अभी मैंने नेस्ट को चेक किया है, सभी जो नेस्ट हैं बिल्कुल ठीक है, किसी के अंदर भी पानी नहीं गया। ये देखें, यहाँ पर फिंचेस की एक मटकी है, यहाँ पर अंडे हैं, यहाँ पर भी पानी अंडों पर नहीं गिरा और यहाँ पर देखिए जो डब है अंडों पर बैठी हुई है तो इसके जो नीचे अंडे हैं वो भी बिल्कुल खुश्क हैं। यानी कि दोस्तों हमारे मास्टर केज में तकरीबन पानी का मसला ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पर सिर्फ छत के अंदर हल्के फुल्के सुराख हैं, उनको भी हम यहाँ पर प्लास्टर और पैरस लगा के बंद कर देंगे ताकि छत से पानी नीचे ना गिरे करे। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था कि जो फिंचेज हैं वो मटकियों में नहीं बैठ रही। दोस्तों क्या हुआ था कि यहाँ पर हमने एक बंगलाइज फिंच के मेल को छोड़ा हुआ था, वो क्या करता था कि यहाँ पर हर मटकी के अंदर जाके बैठता था। यहाँ पर देखिए ये जो मटकी है, इसके अलावा ये भी और यहाँ पर जो मटकी है, इन सभी मटकियों में फिंचेज ने अंडे दे रखे हैं। तो वो क्या करता था, वो सारा दिन कभी किसी मटकी में बैठता था कभी किसी मटकी में, जिसकी वजह से हमारे जो फिंचेज हैं इन्होंने मटकियों में जाना कम कर दिया है। इसके अलावा देखिए जो फिंचेज के पेयर हैं जो यहाँ पर नेस्टिंग कर चुकी हैं, अंडे दे चुकी हैं, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर देखिए इस वाले नेस्ट के अंदर नेस्ट बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारा नेस्टिंग इकट्ठा करके रखा है जिसे मैं बाहर गिरा देता हूँ ताकि जो फिंचेज हैं वो मटकियों में बैठे और उनके अंदर ही अंडे दें। सिर्फ क्या हुआ था कि जो बंगलाइज फिंच का मेल है उसको यहाँ पर रखने की वजह से वो यहाँ पर जो बाकी फिंचेस के नेस्ट हैं उनमें डिस्टर्बेंस पैदा करता था, कभी इस मटकी में चला जाता था और कभी उन वाली मटकियों में चला जाता था, जिसकी वजह से हमारी जो फिंचेस हैं इन्होंने अंडों पर बैठना कम कर दिया है। तो मैंने क्या किया था कि रात के वक्त मैंने देखा था कि वो जो मेल है एक मटकी के अंदर बैठा हुआ था, तो दोस्तों उसे मैंने मटकी समेत यहाँ से निकाल दिया था। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ ज़ीब्रा फिंचेस हैं या यहाँ पर ये जो स्पैरो फिंचेस हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया था। वो जो मेल बर्ड है जो बंगलाइज फिंच का मेल था उसको मैंने मास्टर केज से निकाल दिया था ताकि हमारे जो सभी फिंचेस हैं यहाँ पर अच्छे से ब्रीड कर सकें। दोस्तों जो बर्ड रूम के सभी परिंदे हैं हमने इनकी ब्रीड को शुरू करवा दिया था, सभी परिंदों को नेस्टिंग वगैरह दे दी थी। तो आज हमने क्या करना है कि हमने इनको कैल्शियम सप्लीमेंट सिरप का यूज़ करवाना है। हम इनको मल्टीविटामिंस भी दे रहे हैं और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी, तो आज हमने इनके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स वाला पानी रेडी करके सभी केजेस में डालना है। अभी मैंने सभी परिंदों के केजेस में से जो पानी है उसको निकाल दिया है, जल्दी से इनके लिए पानी रेडी करते हैं और इनके केजेस में डाल देते हैं। ये देखें यहाँ पर कैल्शियम सप्लीमेंट सिरप है, कैल्शियम पी सिरप, इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसको सबसे पहले अच्छे से हिला लेंगे, तो दोस्तों मिक्स हो चुका है, अब हम इसको पानी में डालेंगे। अभी यहाँ पर मेरे पास 2 लीटर पानी है तो दोस्तों इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हम सिरप का ऐड करेंगे, पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे और सभी बर्ड के केजेस में डाल देंगे।
दोस्तों ये देखें जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स वाला पानी है ये रेडी हो चुका है, जल्दी से सारे केजेस में डाल देते हैं। हमारी यहाँ पर ये जो जावा फिंच है अकेली है, यहाँ पर एक चीक है जावा फिंचेस का, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और ये ब्रीडर पेयर है दोस्तों, इन्होंने नेस्ट मुकम्मल कर लिया है, एक दो दिन तक ये पेयर अंडे दे देगा। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फिंचेस हैं तो दोस्तों इन्होंने भी नेस्ट हमने कल इनका बना दिया था, ये पेयर भी बहुत जल्द अंडे दे देगा। और ये एक जावा फिंच का मेल है जिसकी टांग ख़राब है, इसको हमने मास्टर केज में छोड़ना था लेकिन दोस्तों अभी तक हमने इसको मास्टर केज में नहीं छोड़ा। और ये देखिए यहाँ पर ज़ीब्रा फिंच का एक पेयर है, ये एक ब्रीडर पेयर है, इन्होंने भी नेस्ट बना लिया है और बहुत जल्द ये भी यहाँ पर अंडे दे देंगे। और हमारे जो लव बर्ड्स का पेयर है ये ज़्यादा टाइम अपने नेस्ट के अंदर ही बैठा रहता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो फीमेल है ये भी अंडों पर आ चुकी है। और दोस्तों जो डायमंड डव का पेयर हमने लगाने के लिए रखा हुआ था, मेरे ख्याल से ये जो पेयर है ये भी लगना शुरू हो चुका है, बहुत जल्द हम इनको यहाँ से निकाल के मास्टर केज में छोड़ देंगे ताकि ये जो पेयर है वहाँ पर अंडे दे सके। दोस्तों अभी यहाँ पर जो सभी पिजन्स हैं इनको बाहर खोल दिया, ये देखें जो पिजन्स हैं बाहर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। और यहाँ पर जो गिनी फॉल चीक है दोस्तों उसको भी बाहर खोल दिया, तो वो बाहर निकलते ही जो पिजन्स के केज है उसमें घुस गया। ये देखें ये क्या करता है कि यहाँ पर जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको खाता रहता है। बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे कि ये जो चूज़ा है आपके सेटअप के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पर जो कीड़े वगैरह होंगे उनको खाता रहेगा। ये देखिए मैंने जैसे ही पिजन्स को बाहर खोला है और यहाँ पर ये जो केजेस हैं इनके दरवाज़ों को खोला तो ये भाग के अंदर चला गया है। अभी इसने बाहर आना, देखें पिजन्स के साथ झगड़ा करता है, पता नहीं इसे क्या मसला कि हमारे जो पिजन्स हैं इनके साथ हर वक्त झगड़ा करता रहता है, इनके पीछे भागता है। ये देखें किस तरह से अभी यहाँ पर जो चिक्स हैं ये छोटे हैं माशाल्लाह से, काफ़ी प्यारे हैं दोस्तों, ये बड़े हो चुके हैं, इनको हमने अलहदा केज में रखा हुआ है। जैसे ये पिजन्स भी यहाँ पर बड़े हो जाएंगे ये भी अंडे देना शुरू कर देंगे। ये देखें ये चूज़ा क्या कर रहा है कि सभी पिजन्स को मार रहा है और इनको आगे आगे भगा रहा है। वो देखें दोस्तों आज हमारे पिजन्स के दूसरे पेयर ने भी अंडे दे दिए हैं। ये देखें पहले जो एक पेयर है इन्होंने दोनों अंडे मुकम्मल कर लिए थे और इन्होंने अंडों पर बैठना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखें जो दूसरा पेयर है इसकी फीमेल ने भी आज पहला अंडा दे दिया, वो देखें सामने पड़ा हुआ है, ये इसकी फीमेल है और मेल ये वाला है। दोस्तों अभी फिर से दोनों पिजन्स के पेयर ने अंडे देना शुरू कर दिया है, बहुत जल्द इनके अंडों से चिक्स निकल आएंगे। लेकिन हमने क्या करना है कि कुछ दिन बाद इनके अंडों की कैंडलिंग करके अंडों को चेक करना है कि इनके अंडे फर्टाइल हैं कि नहीं, अंडों में चिक्स बन रहे हैं कि नहीं। उम्मीद है कि इस दफ़ा भी इनके अंडे फर्टाइल होंगे। यहाँ पर ये जो पिजन्स हैं ये इन्हीं पिजन्स के चिक्स हैं, अभी देखिए काफ़ी बड़े हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे से उड़ रहे हैं। मैं इनको यहाँ पर खोल देता हूँ लेकिन यहाँ से उड़कर बाहर कहीं बन नहीं जाते। हालाँकि वो देखें सामने वहाँ पर एक कबूतरों का जाल है, तो ये जो कबूतर है वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर अक्सर काफ़ी सारे कबूतर बैठे होते हैं। लेकिन ये जो बर्ड्स हैं यहाँ पर रहने के आदी हैं, अभी ये यहाँ पर अपने घरों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, जितने भी बर्ड लवर हैं वो वीडियो को लाइक लाजमी से करेंगे और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।